दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। बैंक लॉकर में रखे थे लाखों रुपये, 5 साल बाद जब खुला तो ऐसी हो गई थी हालत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के थुरल बाजार में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा के लॉकर में रखे गए लाखों रुपये दीमक चटकर गई, जबकि गहनों का रंग भी खराब हो गया। इस बात का पता तब चला जब बैंक ग्राहक ने अपने पैसे निकालने के लिए लॉकर खोला। हालांकि बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि लॉकर में पानी और दीमक कैसे आए इसकी जानकारी नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय पंचायत के कान्हा सावंत के सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि उन्होंने लगभग 5 साल पहले बैंक शाखा में लॉकर लिया था। इसमें उन्होंने 1.5 लाख रुपये और सोने के गहने रखे। जून 2018 में उन्होंने लॉकर खोला था और इसमें से कुछ पैसे ले लिए थे। उस समय लॉकर में सब ठीक था। उन्होंने कहा कि अब उनके घर में एक धार्मिक समारोह है तो शनिवार को वे पैसे लेने के लिए बैंक शाखा में गए। उन्होंने बैंक में अपना लॉकर खोला और देखा कि ढेर में हजारों रुपये मिट्टी का ढेर बन गए। आभूषण भी पानी से खराब हो गए हैं। उपभोक्ता ने बताया कि लॉकर में मिट्टी और पानी है। उन्होंने बैंक शाखा अधिकारी से शिकायत की। बैंक शाखा अधिकारी ने बताया कि लॉकर में कोई दोष नहीं है, बैंक में सभी लॉकर सुरक्षित हैं। सुशील कुमार के लॉकर में रखी जमा पूंजी को आखिर इतना नुकसान कैसे हो गया ये हमें नहीं पता, लेकिन हम इसकी जांच करवा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नियम के अनुसार लॉकर में नकद नहीं रखा जा सकता है।